इतना खेती के लिए पानी के लिए तकलीफ होता, इसीलिए हम लोग बोरिंग भी किया जो नीचे से पानी उठा था। 50 लीटर तक चला गया, पानी नहीं मिला। 2030, 40% of all of India could have no water in their groundwater and no access to drinking water. सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 700 में से 250 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को ग्राउंड वाटर लेवल में क्रिटिकली और ओवर एक्सप्लॉइटेड घोषित कर दिया गया है। ख्वाबों से बनता है गांव, और उस ख्वाब में जब आसमान से पानी की बूंद बरसती है तब लाती है गांव में खुशहाली एक और बार। मगर क्या आप जानते हैं आज भी हम सबसे ज्यादा पानी ग्राउंड वाटर से निकालते हैं, जिसे हम पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिसका सीधा मतलब ये है कि हम ग्राउंड वाटर को पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हर साल क्लाइमेट चेंज के कारण 90 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में सूखा पड़ जाता है और 40 मिलियन एकड़ लैंड में फ्लड आ जाता है। ये फ्लड हजारों की जान और संपत्तियों का नुकसान करता है। क्लाइमेट चेंज का मेन कारण है अर्बनाइजेशन। रोड्स, बिल्डिंग्स, पेमेंट जो हम बना रहे हैं, बारिश जब होता है बारिश का पानी कंक्रीट के वजह से जमीन तक पहुंच नहीं पाता है, और हमारा सॉइल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इतना खराब है कि ये बारिश का पानी को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, और ये सारा बारिश का पानी नदियों, नालों और समुद्र में चला जाता है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब ऐसे शहर अब वाटर स्कैर्सिटी के चपेट में आ चुके हैं। रिड्यूस, हमें कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि टेकिंग अ शॉर्टर शावर, टर्न ऑफ वाटर व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। रीयूज, पानी दो प्रकार के होते हैं, ब्लैक वाटर जो निकलता है हमारे टॉयलेटों से, जिसे एक्चुअली में ड्रेनेज या सीवरेज में जाना चाहिए। दूसरा होता है ग्रे वाटर जो निकलता है हमारे बर्तन धोने से, नहाने से, कपड़े धोने से, जिसमें इम्प्योरिटी बहुत कम होता है, और फिर से फिल्टर करके हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टॉयलेटों के लिए, पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए। इस पानी को हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी यूज कर सकते हैं बाय इंस्टॉलिंग सोक पिट्स और लीच पिट्स, जो बहुत ही कम लागत में बनाया जा सकता है, जिसे हमारे ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगा और फ्लड जैसे सिचुएशन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। स्वच्छ जल का सपना है हमारा, अब बदलेगा कल और होगी आत्मनिर्भर भारत का सपना सच। जल से होगी एक नई ख्वाहिश पूरी और हम फिर से देखेंगे एक उजला सवेरा। जल जीवन मिशन से पहुंचेगा अब हर घर नल से जल, होगा वाटर कंजर्वेशन की पहल हर गांव वासियों में, पानी से आएगी हर महिलाओं का सम्मान हक से। हम उठाएंगे एक कदम तो सरकार उठाएगी 10 कदम, झूमेंगे भारत का हर गांव, फसलें सिंचेंगी दुगनी रफ्तार से, बारिश के पानी की संरक्षण की जिम्मेदारी अब हमें लेनी होगी, पौधे लगाकर ही करना होगा क्लाइमेट चेंज का सामना। स्वच्छ भूमि, स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल से देनी होगी एक नई उम्मीद की ख्वाहिश, जो बनेगी आने वाले भारत की आजादी की ख्वाहिश। आओ हम सब मिलकर संकल्प करें एक नई शुरुआत, जो बनेगा सुनहरा भारत का सपना।